जनपद लखीमपुर खीरी में राकेश सिंह टिकैत का राजापुर मंडी में चल रहा धरना प्रदर्शन लखीमपुर वासियों पर बेतुका बयान करने के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में टिकैत के बयान को लेकर के लोगों ने राकेश टिकैत का पुतला फूंक दिया। यहां तक आक्रोशित लोगों ने राकेश सिंह टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। जैसे कि कल राकेश सिंह टिकैत का एक बयान आया था जिसमें लखीमपुर वासियों को लेकर के अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया गया था, उसके बाद लोगों के प्रति आना शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और राकेश टिकैत का कलेक्ट्रेट में पुतला फूंकते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। राकेश सिंह टिकैत के लखीमपुर में धरना प्रदर्शन करने को लेकर के मंडल कस्ता के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया ने बताया, राकेश सिंह टिकैत जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए लखीमपुर में आते हैं वह इस बार फेल हो चुकी है। लखीमपुर की जनता उनके बेतुके बयान बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं। बेतुके बयान पर लखीमपुर वासियों ने राकेश सिंह टिकैत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और उनका पुतला फूंका। किसानों की समस्याओं को लेकर जो पूरे देश के अंदर राकेश टिकैत घूम रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर के नहीं घूम रहे हैं, इनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है और उसको लेके घूमते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और जहां जाते हैं वहां अराजकता पैदा होती है, प्रशासन को परेशान करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं। इनके साथ लखीमपुर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, लखीमपुर की जनता न उनके साथ है, न लखीमपुर का एक भी किसान उनके साथ आएगा, ना यहाँ कोई समस्या है किसानों की है। ये राकेश टिकैत ने जो अपशब्द हमारे जिलेवासियों को कहा है इसके लिए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे प्रदेश, हमारे जिले की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और राकेश टिकैत को ऐसा भुगतना पड़ेगा कि जीवन भर अपनी राजनीति भूल जाएंगे। टिकैत जी का आने का कारण सिर्फ यहाँ पर शांति व्यवस्था को ख़त्म करने का उनका एक मकसद था जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और इसके विरोध में हमारे जो किसान हैं वो जो असली किसान हैं जो खेतों में मेहनत करते हैं वो बराबर इसका विरोध कर रहे हैं। टिकैत जी यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए आए थे जो उनकी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और आगामी समय में जनता पूरी तरीके से जवाब देगी कि अजय मिश्र टेनी के जो खिलाफ में आए थे बोलने के लिए वह फिर से उनको चुन करके दोबारा लोकसभा भेजने का काम करेगी। राकेश सिंह टिकैत के बयान पर पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर ने कहा कि राकेश सिंह टिकैत जो पूरे देश में फैले हुए हैं उनके मंसूबे लखीमपुर में नहीं चलने वाले, लखीमपुर में यह अराजकता फैलाने का काम किया तो यहां की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से पवन दीक्षित की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।